Assalamu alaikum and a very, very warm welcome this evening to yet another live session with Shifam. Ramzan aane wala hai kuch hi dino mein, and we are looking forward to the month, all of us who jo observe karenge is mahine ko. इसके साथ मैं ये बताती चलूँ कि अभी भी हम अपनी तीसरी लहर COVID-19 की तीसरी लहर में तैर रहे हैं. तो प्लीज़ एहतियात कीजिए, मास्क पहन के रखिए एंड अपनी हिफाजत हमारे अपने हाथों में होती है. सो बी गुड टू योर सेल्फ, बी गुड टू योर बॉडीज, बी गुड टू योर माइंड्स. शिफाम इज़ ऑफरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट दिस पॉइंट इन टाइम. आप घर बैठे अपने कोविड टेस्ट करा सकते हैं, आप कॉल करके या वेबसाइट पे जाके लैब्स में जा सकते हैं, आप अपनी अदवायात, अपनी मेडिसिंस घर बैठे मुफ्त डिलीवर करवा सकते हैं, फ्री डिलीवरी. एंड इस रमज़ान शुरू होने से पहले अपने ब्लड टेस्ट करवाइए, ग्लूकोज, गेट योर हेल्थ केयर इन ऑर्डर. सो ये हम सारी चीज़ें कर रहे हैं. इट इज़ सो मैनी थिंग्स हैपनिंग एंड आज का जो हमारा मौजू है, इट इज़ एक्सट्रीमली क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रीग करती है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिंग अवेयरनेस, आगाही, मतलब अवेयरनेस फॉर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज, डिसऑर्डर्स एंड उनके डायग्नोसिस एंड उनके ट्रीटमेंट. इस मुल्क में जहाँ पे पीड्स एंड एडल्ट केयर जो है थोड़ी सी वो मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, एंड उधर ही हमें स्पेशलिस्ट ढूंढना बहुत बहुत मुश्किल लगता है. सो टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर रमन कुमार, हु इज़ अ पर्सन इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री दैट आई डू नॉट नीड टू इंट्रोड्यूस. FCPS इन पीडियाट्रिक्स, फेलोशिप पीड्स न्यूरोलॉजी, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल LNMC Karachi. He graduated from Bakai Medical University in 2007 and FCPS in pediatrics from AKUH in 2015. After he had completed his fellowship in pediatric neurology, he joined Liaquat National Hospital and established a unit which started functioning, a PEDS unit which started functioning in April 2018. ये unit rehabilitation services provide करता है जो बच्चे खसूसी ज़रूरियात के साथ पैदा होते हैं. एंड ये एक बहुत 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 ह्यूज चीज़ है, क्योंकि हमारे मुल्क में स्पेशल नीड्स, स्पेशली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड, अन हज़ारों टर्म्स हैं इनको देने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग, बहुत कम यूनिट्स काम कर रहे हैं. सो लाइक आई सेड, दिस इज़ अ टॉपिक वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. He also established pediatric neurology clinics in the outreach centers of Liaquat National Hospital to provide cost-effective sub-speciality services. Future plans are, there is a much-needed state-of-art pediatric epilepsy center at Liaquat National Hospital, and soon he will also be available on the Shifam platform, and it gives me tremendous pleasure and honor to add Dr. Raman Kumar to this conversation today. Assalamu alaikum, Dr. Raman. Walaikum, how are you? Thank you very much for the introduction. I'm fine. Not at all. And I hope everyone is keeping themselves safe in this third wave of COVID. Absolutely. And ये लोगों को बताना बहुत ही ज़रूरी है डॉक्टर रमन, के इस वक्त अभी भी हम लोग इस वबा से नहीं बचे हुए. और आप फ्रंट लाइनर्स हैं, आपको तो पता है कि क्या हो रहा है हॉस्पिटल्स में. इट्स नॉट अ गुड प्लेस. एग्जैक्टली, सो वी नीड टू बी केयरफुल. डॉक्टर रमन, वी आर टॉकिंग आज अबाउट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. हमारे मुल्क में इसकी अवेयरनेस जो है वो क्यों लैक करती है इन योर ओपिनियन?
बहुत अच्छा सवाल है आपका कि बेसिकली जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों में, वो एक सोशल स्टिग्मा समझा जाता है, सामाजिक कलंक है एक तौर से ये. सो सोशली जो होते हैं पेरेंट्स, बहुत सारे हमारे माशरे में ऐसा है कि अगर तो कोई बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है, या वो सिंड्रोम है, या वो कुछ बनावट उसकी सही नहीं है, तो माँ बाप या आसपास के रिश्तेदार ये तसव्वुर करना शुरू हो जाते हैं कि या तो ये उनकी किसी गलती की सजा है, या जो है वो इसलिए ऐसे बच्चों को वो एक्सपोज नहीं करना चाहते, वो छुपा के रखते हैं. तो कॉन्सेप्ट जो है वो कल्चरली हमारे यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको बहुत एक छुपा के रखने वाली चीज समझी जाती है. इसके लिए मैं भी जब इस फील्ड में आया अराउंड 3 इयर्स बैक एज अ कंसल्टेंट, तो मेरा भी यही ख्याल था कि दिस इज अ बिग सोशल स्टिग्मा. लेकिन बाद में जब मैंने डिफरेंट आउटरीच क्लिनिक्स स्टार्ट किए, तो मुझे पता लगा कि इट वाज नॉट बेसिकली द सोशल स्टिग्मा, मोर देन दैट इट वाज एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्पेशलिस्ट्स. हम एक्सेसिबल नहीं है, तो हम बहुत महदूद हैं, बहुत कम लोग हैं और लोग जानते नहीं है. जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि जी उनके बच्चों के साथ भी जो है उनके लिए भी कोई एक मखसूस डॉक्टर मौजूद है जो कि उनके मसाइल का हल कर सकता है, उनके उनकी बात समझ सकता है, उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकता है, तो वो आते हैं, दे आर डेफिनेटली कमिंग अप. सो सिर्फ जो मेरा माइंड जो चेंज हुआ है अबाउट द सोशल स्टिग्मा, फ्रॉम सोशल स्टिग्मा कि जी पहले तो हम समझते थे कि जी ये नहीं निकालते बच्चों को, लेकिन लेकिन टू बी ऑनेस्ट लेट्स गिव देम लिटिल, लेट्स बैलेंस आउट दिस फैक्ट, इट्स आर एक्सेसिबिलिटी एज वेल. एंड आई एम प्लीज टू बी पार्ट ऑफ दिस विच इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल प्लेटफॉर्म, दिस शिफाम विच इज गोइंग टू गिव. सो आप देखेंगे कि लोग कितना जो है वो चाहते हैं कि अवेयरनेस भी चाहते हैं, वो इन बारे में बात करना भी चाहते हैं. सो इट इज नो मोर अ सेंसिटिव इशू, इट इज नो एब्सोल्युटली मोर के जिसमें लोग छुप छुपा के बात करते थे. मेरे क्लिनिक्स में आई एम डेली सीइंग अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, दे आर कमिंग, दे आर लुकिंग फॉर हेल्प फॉर देयर किड्स. सो एंड दे आर मोटिवेटेड एज वेल. सो डिस्पाइट द एब्सोल्युटली डीमोटिवेशंस दैट दे हैव थ्रू आउट, कि जब उनको नजला जुकाम भी होता है और वो किसी डॉक्टर के पास, आम डॉक्टर के पास, जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, तो वो उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि आप इसके लिए क्या करना चाह रहे हैं, व्हाई आर यू वरीड अबाउट दिस किड, बट दे शो देयर कंसर्न्स, दे क्राई इन आवर क्लिनिक, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस, दे वांट हेल्प. दे सो टेक्निकली अवेयरनेस इसलिए कम है कि हम अवेयरनेस दे नहीं रहे. सो इट इज आवर फॉल्ट फॉल्ट बेसिकली, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ पेरेंट्स एंड द सोसाइटी, इट्स बेसिकली हम बहुत कम है, बहुत कम है, और बहुत कम इस प्लेटफॉर्म्स पे आके हम. और आपका शुक्रिया कि आपने इस बहुत अहम मौजू पे आपने मुझे यहाँ पे दावत दी है, एंड आई विल ट्राई टू मेक यूज ऑफ दिस टाइम. थैंक यू सो मच. जैसे कि मैंने कहा कि ये मौजू मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज़ आई एम आल्सो वन ऑफ दोज पेरेंट्स डॉक्टर रमन, जो 8 साल पहले मुझे बहुत बहुत महीने लगे थे अपनी बेटी, क्योंकि मेरी बेटी को एपेट सिंड्रोम के साथ पैदा हुई थी, तो बहुत सारे महीने लगे थे ढूंढने में स्पेशलिस्ट. एंड देन मेनी इयर्स लेटर मुझे पता चला कि एक डॉक्टर रमन हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस फील्ड में. एंड सो हमारी जो एक कम्युनिटी है वो आपको बहुत प्रेस करती है एंड बहुत लुक अप टू भी करती है फॉर थैंक यू. एक एम्पथेटिक डॉक्टर होने की आपको प्रेज करती है. बिकॉज जैसे कि आपने कहा एक्सेसिबिलिटी, यस, एक्सेसिबिलिटी के होने के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एम्पथेटिक डॉक्टर्स जो उस वक्त हमारा दर्द समझ सकें और हमें ये ना कहें कि आप इनको घर ले जाके इनको ढेर सारा प्यार दीजिए. नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस सोसाइटी का, इस मुल्क का इक्वल हकदार हैं. वी आर इक्वल पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी. सो एग्जैक्टली वी नीड, हम चाहते हैं कि हमें भी मौका मिले कि हम अपने बच्चों को उसी तरह ट्रीट करें जैसे आम बच्चों को ट्रीट किया जाता है. सो
अगेन थैंक यू फॉर टेकिंग द अपॉर्चुनिटी. जब हम बात करते हैं अबाउट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो इफ वी वर टू से के टॉप 5 आपके क्लिनिक में कौन से डिसऑर्डर्स आपको दिखाई देते हैं या आते हैं विजिट करते हैं? नंबर वन, एवरी क्लिनिक आई सी एपिलेप्सी, चाइल्डहुड एपिलेप्सी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। और ये भी एक बहुत सोशल स्टिग्मा हुआ होता है कि मिर्गी नाम बहुत बुरा होता है। उर्दू में नाम लेते हुए लोग बड़ा परेशान होते हैं कि ये मिर्गी तो नहीं है। उसके बाद जो है देन न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में ऑटिज़म बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, और मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं, इन्फेक्शंस की वजह से जो जिन बच्चों के ब्रेन मेनिनजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार या दूसरे इन्फेक्शंस की वजह से जो ब्रेन डैमेजेस होते हैं, वो काफ़ी चीज़ें हैं, वो बच्चे काफ़ी हम उनको डील कर रहे होते हैं। और उसके अलावा जो है जैसा कि मैंने बताया, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके लिए अलग स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं मेटाबॉलिक उसके लिए। लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल पार्ट होता है उसको हम देखते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हो रही होती हैं, सो वी ऑल्सो लुक एट दोज। सो डिफरेंट, सो टॉप पे एपिलेप्सी। या एंड अगर हम लोग एपिलेप्सी ही शुरू से के साथ शुरुआत करें, तो मिर्गी, जैसे कि आपने बहुत सही फरमाया कि वो नाम लेते हुए ही एक थोड़ा सा फील होता है कि भाई ये क्या है. एंड येट मिर्गी स्लैश सीजर्स जो अगर सही वक्त पे डायग्नोस हो जाएं, तो अगर आप थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हुए देते हुए चलें कि बच्चों में किस तरह डायग्नोस हो सकता है एपिलेप्सी या सीजर्स, कब किस तरह डायग्नोस हो सकते हैं, कैसे डायग्नोस हो सकते हैं, और उनकी ट्रीटमेंट किस तरह माँ बाप लेके चल सकते हैं? देखें, एपिलेप्सी जो है वो, और मिर्गी जो लफ्ज है उसकी, अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन आपको बहुत आसान करके बताऊं, तो इसमें बेसिकली ये होता है कि बच्चे को दौरे या झटके पड़ते हैं। तो जब किसी को दौरा या झटका, किसी भी हम शख्स को दौरा झटका पड़ता है, तो हम देखते हैं कि इसके दोबारा होने के कितने चांसेस हैं। तो अगर किसी को जिंदगी में कभी दौरा झटका नहीं पड़ा, तो उसका 1% चांस होता है कि हो सकता है जिंदगी में, जैसे मुझे कभी दौरा झटका नहीं हुआ, तो 1% चांस के साथ मैं जिंदगी गुजारता हूँ कि कभी हो सकता है। कभी किसी को 1% हो, एक दौरा या झटका हो जाए, तो उसमें चांसेस होते हैं कि इसको 20% चांस होता है कि दोबारा होगा, यानी कि 80% चांस होता है, बहुत बड़ा चांस है कि दोबारा नहीं होगा। तो पहले जिंदगी में पहले फिट आने को हम एपिलेप्सी नहीं कहते, क्योंकि दोबारा आने का चांस बहुत कम है, 80% है कि दोबारा नहीं आएगा, 20% चांस है कि दोबारा आएगा। लेकिन अगर किसी को 2 फिट्स आ जाते हैं जिंदगी में, 2 फिट्स आ जाते हैं 48 घंटे के वक्फे से, यानी एक आज आया, एक अगले हफ्ते आ गया, या 2 साल बाद आया, तो जिंदगी में जब 2 झटके आ जाएं, तो तीसरा झटका या दौरा आने के चांसेस 60% होते हैं। तो जब भी हम क्लिनिक में बैठ के ये तयन कर रहे होते हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि वॉट आर द चांसेस ऑफ अ चाइल्ड having another seizure episode, if we figure out that this is 60%, 60% अगर हमें लगता है कि चांस है उसको दोबारा दौरा या झटका आने का, तो हम उसको लेबल कर देते हैं एपिलेप्सी। इट्स अ बिग चांस, यानी मैं अपने क्लिनिक से किसी को नहीं जाने दे सकता अगर मुझे ये पता हो कि इसको 60% चांस है कि मेरे क्लिनिक से निकलेगा आज या कल या स्कूल में या 1 महीने बाद उसको दोबारा फिट आ जाएगा। सो आई नीड टू स्टार्ट ट्रीटमेंट। In order to start treatment, I need to label him something. मुझे उसको कुछ disease का बताना है, उसको हम कहते हैं मिर्गी या epilepsy. फिर से अगर recap करूं, अगर किसी को 60% chance हो जाए दोबारा दौरा या झटका आने का, उसको हम epilepsy label करते हैं, और epilepsy की दवाइयां choose करके उस बच्चे के हिसाब से हम उसको देते हैं। इलाज का जो time duration होता है वो तकरीबन 2 साल होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने क्लिनिक में एक बच्चे को देखा जिसको जिंदगी में पहला झटका आया, और उसके फादर को भी झटका दौरा आता है, तो मुझे लगता है कि ये 60% रिस्क पे है कि इसको दोबारा आएगा, क्योंकि इसके फादर, फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव है, बच्चे को एक आया है लेकिन फैमिली हिस्ट्री, तो मैंने रिस्क स्ट्रेटिफाई कर लिया, और मुझे ये लगा कि आई शुड नॉट लेट हिम गो आउट ऑफ माई क्लिनिक
विदाउट स्टार्टिंग मेडिकेशन, विद ए 60% चांस कि इसको दोबारा दौरा झटका आएगा। अब जब दवाई का तायुन करते हैं वो बच्चे की करेक्टरिस्टिक्स देख के, मुख्तलिफ चीजें देख के करते हैं। जैसे ही मैं दवाई शुरू करता हूँ तो रिस्क जो है वो 20% पे आ जाता है। सो ही बिकम्स सेफ, सो ही कैन लीड हिज रूटीन लाइफ, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी, सब चीजें नॉर्मल। दवाई स्टार्ट करने का मकसद ये होता है कि हम रिस्क को कम कर दें और बच्चा नॉर्मल जिंदगी जिए। अब अगर उसमें दवाई 5 या 6 महीने बच्चा इस्तेमाल करता है और पेरेंट्स समझते हैं कि फिट नहीं है और वो बंद कर दें, तो रिस्क दोबारा 60% हो जाता है। अगर हम 2 साल मुसलसल दवाई चलाएं और उसके बाद हम दवाई बंद कर दें, तो स्टडी से ये शो होता है, ये एविडेंस है कि रिस्क 20% ही रहता है। यानी 2 साल का इलाज मुकम्मल करना बड़ा जरूरी होता है। बिल्कुल जिस तरह से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, मैं अपने जो पेरेंट्स मेरे पास क्लिनिक में आते हैं फर्स्ट टाइम एपिलेप्सी का नाम सुन के डरे घबराए, तो उनको मैं यही बातें बताता हूँ कि एपिलेप्सी इज जस्ट अ चांस, इट्स अ 60% चांस के दोबारा आएगा, सो लेट्स वर्क ऑन इट। तो बाकी इसकी मैनेजमेंट, हम दवाइयों का जो इस्तेमाल होता है वो वजन के हिसाब से, जैसे शुरू में आपने ये कहा कि इट्स अ वेरी डिफरेंट, ये कि जनाब बच्चों में और बड़ों में की एपिलेप्सी को ट्रीट करना बड़ा मुख्तलिफ है। बहुत जरूरी है कि हम जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं बच्चों में, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन है वो ग्रो हो रहा होता है, तो हमें दवाइयाँ उनके वजन के हिसाब से चलानी होती हैं और उनकी ऐसी डोज में चलानी होती है कि उनकी डेवलपमेंट को मुतासर ना करें, उनके साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करना, उनकी चीजों को। तो ये एक्सक्लूसिवली बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट जो है ये उनका काम होता है। तो इसमें ये बड़ा जरूरी है ये चीज समझना कि एडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट भी करते हैं, ट्रेंड होते हैं इस चीज में, बेसिकली उन्होंने भी पीड्स में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली होती है, लेकिन जहां पे मौका मिले, एक्सेसिबिलिटी हो, तो आप बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट का इंतखाब करें बच्चों की एपिलेप्सी को मैनेज करने के लिए। एंड देन जैसे कि आपने बताया कि माँ बाप जब इस पे डटे रहते हैं, वो 2 साल ट्रीटमेंट मुकम्मल करते हैं, अगेन हर केस यूनिक होता है, कुछ बच्चा मेडिसिन से उतर जाएगा, कुछ बच्चे की मेडिसिन जो है वो जारी रहेगी, एंड ये अगर माँ बाप ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर मुकम्मल तौर पर एक मतलब कि डटे रहें तो बच्चे की प्रोग्रेस, जैसे कि आपने कहा, दे गो बैक टू देयर रूटीन, नॉर्मल रूटीन। जी हाँ, तो ये बेसिकली रूटीन में लाने के लिए ही, उनको नॉर्मल रूटीन में रखने के लिए ही हम दवाई स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स हमसे ये सवाल पूछते हैं कि हम इसे स्कूल भेजें, स्पोर्ट्स कर सकता है ये, तो सेफ्टी के साथ सारी चीजें कर सकता है। नॉर्मल रूटीन की जिंदगी गुजारना ही हमारा मकसद है दवाई स्टार्ट करने का। एंड यू नो, जब हम इसके बारे में बात करते हैं डॉक्टर कुमार, के एक चीज़ जो मैंने देखा है कि बहुत सारी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस जुड़ी हुई हैं पीड्स के हवाले से। बहुत सारे माँ बाप इसका इजहार करते हैं कि नहीं, छोटे बच्चों को सर का दर्द नहीं होता, उनको माइग्रेन्स नहीं होते, माइग्रेन्स नहीं होते, एंड दिस इज़ अ ह्यूज मिसकंसेप्शन। तो अगर हम थोड़ा सा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सीजर्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एपिलेप्सी, कुछ माँ बाप जो थोड़े से इन्फॉर्म्ड होते हैं उनको डर लगता है कि ओहो, मेरे बच्चे को कहीं अननोइंगली, जब मुझे पता ना, मेरी प्रेजेंस में कोई और चीज़ ना हो रही हो, इसको मुस्तकिल हेडेक्स हो रहे हैं। बाज़ औक़ात माँ बाप ये कह के कहते हैं कि ओहो, चश्मा लगना है इसलिए हेडेक्स हो रहे हैं। सो इफ़ यू वर टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट हेडेक्स एंड माइग्रेन्स फॉर अ लिटिल, वेरी ब्रीफली। जी हाँ, पैरोक्सिज्मल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, पैरोक्सिज्म का मतलब होता है कि बगैर बताए, बगैर कोई वार्निंग दिए अचानक से जो एपिसोड्स होते हैं उसमें फिट्स, ये दौरे झटके एपिलेप्सी जो है वो एक वन ऑफ द पैरोक्सिज्मल डिसऑर्डर है, और इसी तरह हेडेक भी जो है वो एक पैरोक्सिज्मल डिसऑर्डर है जो, और बच्चों में जैसा कि आपने बताया सर का दर्द बड़ा कॉमन है, और मिग्रेन बच्चों में बिल्कुल होता है। और मेन चीज जो होती है, जो इसके इसको स्टैब्लिश करना होता है कि जी ये हमने जो सर के दर्द की बड़ी बड़ी वजूहात होती है, मिसाल के तौर पे सबसे छोटी वजह सर के दर्द की ये हो सकती है कि मिग्रेन है,
कुछ भी नहीं है। इट्स फेमिलियर। और सबसे बड़ी वजह यह हो सकती है कि खुदा न खास्ता दिमाग में रसौली है, इट्स अ ब्रेन ट्यूमर और समथिंग, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन इन द ब्रेन। सो टेक्निकली उसमें आपको जो बड़ी चीज होती है उसको रूल आउट करना बड़ा जरूरी होता है कि ये नहीं है। तो जब हम एमआरआई या कुछ इस तरह की चीजें कराते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, तो हम बता देते हैं कि जी हमें लगता है कि जी 99% बेस्ड ऑन आर एग्जामिनेशन कुछ नहीं होगा, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट समथिंग बिग इन ऑर्डर टू रीच टू समथिंग विच इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट। इलाज में सबसे जरूरी है बायो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, जिंदगी के तौर तरीके, रूटीन, इनमें बच्चों के मामलात में बहुत ज्यादा। तो देखा यह गया है कि बच्चों के जो सोने के औकात हैं, उनकी खुराक है, सोने के औकात है, स्क्रीन आवर्स है, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं सर के दर्द में। और मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको सिर्फ बायो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के जरिए उनको बेहतर किया जाता है, कोई दवाई नहीं दी जाती, उनको सिर्फ तौर तरीके समझाए जाते हैं, कुछ खुराक की चीजों से परहेज बताई जाती है, स्क्रीन से। स्क्रीन तो आजकल एक बहुत ही जी बहुत बड़ा मसला है बच्चों के लिए कि स्क्रीन बहुत देर तक वो स्क्रीन देखते रहते हैं। तो ये एक चैलेंज है पेरेंट्स के लिए भी, बड़ा चैलेंजिंग है। और मी एज अ पेरेंट आई फेस दिस प्रॉब्लम टू, एवरीवन डज इट। तो कसूर नहीं है, जमाने जमाना इस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है कि उसमें ये एक जरूरी चीज बन गई है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से और लिमिटेड बहुत जरूरी है शुरू से अपने बच्चों को। इसी तरह स्लीप आवर्स, अब स्लीप की एक अपनी नींद की एक हाइजीन होती है जो मेंटेन करना बड़ी जरूरी है, जो हम सबके लिए जरूरी है, नॉट जस्ट चिल्ड्रन, एवरीवन, के बेड टाइम हमारा जो है वो जल्दी होना चाहिए, और इसी तरह 10 से 11 बजे तक हमें सो जाना चाहिए। और ये कुदरत का निजाम है कि जब वो मग़रिब होती है, जब अंधेरा छाने जाता है, तो दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन अंधेरे की वजह से रिलीज होता है, अंधेरा जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है तो हमारे जहन में, दिमाग में वो उसकी क्वांटिटी बढ़ती है और हमें नींद की तरफ हम जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नेचर के अगेंस्ट इतना चलते हैं कि जैसे ही बाहर अंधेरा होता है, हमारे घरों में डबल रोशनी हो जाती है। तो हमारा जो जो दिमाग में निजाम है स्लीप को इंड्यूस करने का, वो पूरी तरह से अफेक्ट हो जाता है। तो लाइट्स को कम रखना भी एक बड़ा जरूरी एस्पेक्ट है फॉर अ गुड स्लीप हाइजीन। दूसरी बात ये कि सोने से 2 घंटे पहले आपने लास्ट मील लेनी होती है। हम अक्सर ये करते हैं कि 9:30 बजे खाना खाया, 10 बजे सो गए, या स्क्रीन को देखते देखते सो गए। तो इट अफेक्ट्स द वेव्स, द ब्रेन वेव्स व्हाइल वी आर स्लीपिंग। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम स्लीप हाइजीन, हम डाइट, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, कैफीन का इस्तेमाल, ये कॉफी और ये चाय वगैरह, चीज चीज इज अ बिग माइग्रेनोजेनिक। और बड़ी, आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये दूंगा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से कि दुनिया जहां में बच्चों के सर में दर्द की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो रीबाउंड हेडेक होता है। ये इसका मतलब ये है कि अगर बहुत ज्यादा सर के दर्द के लिए दवाइयां ली जाएं, तो दवाइयां ही सर के दर्द का कॉज बनती है। तो टेक्निकली हम ये कहते हैं कि जी जिन बच्चों को सर में दर्द होता है उनको 7 डेज यानी 7 बार 1 महीने से ज्यादा दवाई नहीं देनी चाहिए। मतलब अगर आप 7 बार से ज्यादा एक्सीड कर देंगे, आप मतलब महीने में आपने 15-16 दिन जो है उसको पेन किलर से रिलीफ किया, तो उसको रीबाउंड हेडेक होगा। अब ऐसी सूरत हाल में हमें वॉश आउट करना होता है, मतलब वो दवाई को जिस्म से निकालना होता है, तो सर के दर्द को बर्दाश्त करना होता है कि बगैर दवाई के वो हो जाए। तो जैसे ही हम एक आध महीने में दवाई जिस्म से निकलती है और कुछ सर के दर्द बगैर दवाई से मैनेज होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सर के दर्द की जो वो है वो कम होती चली जाती है, कैफियत शिद्दत कम भी हो कम हो जाती जाती है, और जी हाँ, कम हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है। हेडेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटिंग सिम्टम्स इन आर क्लिनिक्स। एंड आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की ही डॉक्टर रमन, विच वाज मैं रिस्पांस लेने की कोशिश कर रही थी आपसे कि जब आप
पेरेंट्स या इंडिविजुअल्स जो क्लिनिक आए और आप उनको बोलें कि देखें अपने डाइट और अपने रूटीन पे काम कीजिए, बायो बिहेवियर जिसे आपने कहा, एंड ठीक हो जाएगा. आई एम वंडरिंग कि वो किस किस्म के, उनके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं जब वो बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बगैर किसी अदवायात के आपके क्लिनिक से एग्जिट करते हैं. अच्छा, जिन जो जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं और जो मेरे क्लिनिक आते हैं, तो वो मुझे आपने, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि आपने मेरे बारे में बड़े अच्छे रिव्यूज दिए कि जी पेशेंट्स बड़ा अच्छा एम्पैथेटिक जो वे होता है। तो एक चीज मैंने नोट की है कि एम्पैथी इज नॉट अबाउट काइंड वर्ड्स एंड इट्स नॉट अबाउट नाइस वर्ड्स, बीइंग नाइस, बीइंग वेरी वेरी स्वीट टू समवन। सो माय एम्पैथी इज अ लॉट ऑफ डांट डपट। अब मेरे पास जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं वो बहुत मेरे से डांट खा जाते हैं। कभी कभार तो मुझे लगता है कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट देम ऑन माई फॉलो अप्स, तो लेकिन वो रिटर्न दे कम बैक। सो उसमें उस डांट डपट में एक अपनाइयत होती है, तो वो दोबारा आते हैं। वो फिर कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने डांटा तो हमारे बच्चे के लिए ही डांटा है। तो टेक्निकली उनको समझाना, देखें दवाई देना जो है वो बहुत आसान काम है, किसी को काउंसल करना समझाना टेक्निकली इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज डिफिकल्ट। अगर मेरे पास कोई बच्चा आता है कि जी सर में दर्द हो रहा है, तो मुझे उसको पैनाडोल लिख के दे के उसको भेजने में और उसको एक फॉलो अप देने में हार्डली 5 मिनट लगेंगे, लेकिन ये सब कुछ एक्सप्लेन करने में, उसको बिठाने में, उसको बैठ के समझाने में कोई 20 से 25 मिनट, आधा घंटा लगेगा। बट इफ यू स्पेंड टाइम ऑन ऑन पेशेंट्स एंड इफ यू काउंसल देम, आई थिंक के दे फील बेटर, दे डोंट क्रेव फॉर मेडिसिन, दे डोंट क्रेव फॉर योर हेल्दी प्रिस्क्रिप्शन जो जो एक जो होता है कि 4-5 दवाइयों वाली। सो इन माई प्रैक्टिस जो चीजें मैंने पहले सोची थी कि यार लोग समझते हैं कि जी प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत जरूरी है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में नोट किया है कि दे क्रेव फॉर योर टाइम। सो पीड्स न्यूरोलॉजी इज वन ऑफ दोज टेक्निकली फील्ड्स जहाँ पे टाइम देना बहुत जरूरी है। सो जो पेरेंट्स मेरे पास लाते हैं, सो दे एक्सपेक्ट कि यार मैं उनके साथ बैठ के को 20-25 मिनट मैं उनकी बात सुनूंगा। सो फर्स्ट विजिट इज ऑलवेज लाइक 30 to 45 मिनट्स, अंडरस्टैंडिंग द पेरेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द डिजीज, अंडरस्टैंडिंग द देयर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द डिजीज, द पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू फॉर्मुलेट अ प्लान। सो टू पेशेंट्स कमिंग टू मी विद द सेम डिसऑर्डर एंड सेम कंप्लेन, आई मे एक्सट्रीमली बी वेरी वेरी फॉर्मुलेटिंग वेरी डिफरेंट प्लान फॉर बोथ ऑफ देम। तो बिल्कुल कहने का मकसद ये है कि बैठना आपका, ये भी एक मेरे ख्याल से एक मिथ हो गया है अब कि लोग जो है दवाइयां चाहते हैं, बिल्कुल लोग आपका टाइम चाहते हैं। एब्सोल्युटली. एंड जैसे कि आपने कहा, जब मैंने कहा कि ये एक एम्पैथेटिक डॉक्टर, वही बात ट्रांसलेट हो गई जो आपने खुद कह दी डॉक्टर अमन, के इट इज़ ऑल अबाउट काउंसलिंग. क्योंकि जहाँ पे काउंसलिंग एंड काउंसलिंग में ही अवेयरनेस एंड इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि पेशेंट स्लैश क्लाइंट खुद समझ जाते हैं कि उनकी बेहतरी किस चीज़ में है. बिल्कुल यू नो डॉक्टर अमन, आपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात की, एंड जब हम पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिकल केसेस या डिसऑर्डर्स के लिए, इफ वी रिसर्च, बिकॉज हमारे मुल्क में रिसर्च भी बहुत कम, यू नो डेटा जो है बहुत कम है, सर्वेज बहुत कम होते हैं. सो फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जब हम वेस्टर्न डेटा पढ़ते हैं तो वहाँ पे कंजेनिटल अनोमलीज और ट्यूमर्स एंड हाइड्रोसेफलस, स्पाइनल बिफिडा, ये सारी चीज़ें टॉप पे आती हैं. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत नीचे जाके आते हैं बिकॉज वो एक आम आम चीज के साथ आते हैं लोअर एंड पे. बट ओवर हियर यस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आर वेरी वेरी हाई. जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं, चिल्ड्रन आ रहे होते हैं इन इन क्लिनिक्स. हाउ डज दैट डायग्नोस्टिक वर्क आउट? इट्स बेसिकली द कजन मैरिजेस।
जैसा कि आपने बताया कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, और कजन मैरिजेज इज द मेन थिंग बिहाइंड इट। मेटाबॉलिक स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं और इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं कि कजन मैरिजेज नहीं होनी चाहिए, और इस तरह के डिजीजेस जो हैं वो कजन मैरिजेज से ज़्यादा निकलते हैं। ऐसे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो रेयर होते हैं, इनकी डायग्नोसिस इज अ बिग चैलेंज इन 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 आवर कंट्री, इन पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, जब हम अपने रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, हम एक गरीब मुल्क है, तो जब हम अपने हमारे पास नपातुल्ला पैसा है, तो जब हम रिसोर्सेज को एलोकेशन करते हैं, तो हम उन चीज़ों को पहले प्रायोरिटी देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल अब ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ ज़्यादा हो वो ज़्यादा नुकसानदेह हो। अब कभी कभार जो रेयर डिजीज़ेस होते हैं, रेयर डिसऑर्डर्स होते हैं, जो होते तो रेयर हैं कम मिकदार में, लेकिन उनका सोशो इकोनॉमिक बर्डन जो होता है हमारी सोसाइटी पे वो ज़्यादा होता है, तो हम उन पे ध्यान देना इस वजह से छोड़ देते हैं कि ये तो रेयर है, कभी कभार आता है, कम है, तो इसकी डायग्नोसिस के लिए, इसके मैनेजमेंट के लिए हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज हम एलोकेट नहीं करते। हम कहते हैं यार हमारा मसला तो डायरिया है, नमूनिया है, तो ये डाउन सिंड्रोम को, एपर्ट को और दूसरे जो सिंड्रोम्स हमारे पास आते हैं उनको हमने क्या करना है। तो बात दरअसल ये नहीं है, बात दरअसल ये है कि जैसे कि आपने रिसर्च में बात की, तो पहले जमाने में ये देखा जाता था कि जो किसी डिजीज का बर्डन है कि ये कितनी बुरी बीमारी है, वो इस बात से अंदाजा लगाया जाता था कि इस बीमारी से अमवात कितनी होती, उसको कहते थे कि यार दिस इज अ बैड डिजीज। अब जो है वो चेंज हो गया है, अब कहते हैं DALYS, डेलीज, के डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, कि बीमारी वो बुरी है जिसकी वजह से इंसान जिंदा रह के डिसेबिलिटी में रहे। तो हमारी जो अब सोच है वो बदल रही है, अब हम रेयर डिजीजेस को भी दुनिया फोकस कर रही है। तो इसकी अनकरीब हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो है अस्पताल और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जेनेटिक्स की तरफ, जेनेटिक टेस्टिंग की तरफ, और उसमें हमारी एपिलेप्सी में भी बहुत सारे मूवमेंट, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस में जेनेटिक डायग्नोसिस की बड़ी अहमियत है। तो इस पे काम हो रहा है स्लो एंड ग्रेजुअल, बट यस देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन एंड विच इज वेरी वेरी इंकरेजिंग। आप लोगों को शायद आम पब्लिक को नजर ना आता हो, लेकिन बिहाइंड द सीन्स थिंग्स आर गोइंग, पीपल आर वर्किंग, दिस इज वेरी वेरी इंकरेजिंग। न्यू चिल्ड्रन जो जो मैं उनको बच्चे ही कहता हूँ, जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको हम पढ़ाते हैं, उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। हाँ, दे आर ट्राइंग टू, वो अब ये नहीं कहते कि मुझे सर्जन बनना है, वो ये कहते हैं कि कौन सी फील्ड हमारे मुल्क में नहीं है, मुझे वो बनना है। तो सो थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर डेफिनेटली चेंजिंग इन अ सो इट्स ऑल, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट अबाउट इट। एब्सोल्युटली, एंड आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज इन रिसेंट ईयर्स, एंड येस दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बहुत सारी पेरेंट्स जो जिनका कोई हेल्थ केयर फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं था, बहुत सारे हैव बिकम थेरेपिस्ट, हैव बिकम रिसर्चर्स, हैव बिकम स्पेशलिस्ट इन फील्ड्स जिसके अंदर देर सो मेनी ऑटिज्म स्पेशलिस्ट नाउ, या यू नो रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज में बहुत काम हो रहा है. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, देर इज अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ, एंड होपफुली ये इनकरेज होता रहेगा. सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूरोलॉजिकल डिवेलपमेंटल डिसऑर्डर्स, इवन दो हम सोचते नहीं हैं, एंड आपने स्लीप के बारे में बात किया, हाउ इम्पॉर्टेंट स्लीप इज फॉर चिल्ड्रन, यू नो स्लीप डिसऑर्डर्स, बच्चों में पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर्स एक बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट हो जाते हैं. माँ बाप
भी नहीं पिन पॉइंट कर पाते कि आर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ स्लीप डिसऑर्डर. हाउ एंड व्हेन कैन अ पेरेंट डायग्नोज और डिटेक्ट के माई चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग, उसको स्लीप डिसऑर्डर है. देखिए, स्लीप डिसऑर्डर्स के जैसे कि हम अगर टेक्निकल थोड़ा सा हम जाएं तो स्लीप का एक प्रॉपर एक साइकिल होता है जिसमें डिफरेंट फेजेस से एक फेज से दूसरे फेज में हम एंटर होते हैं। हमारे अब ये हमारी जो दिमाग की लहरें होती हैं ये चेंज होती हैं। तो जैसा कि एक खास किस्म की दिमाग की जब लहरें चलती हैं तो हम ख्वाब देखते हैं और तो डिफरेंट फेजेस के इश्यूज होते हैं। पहला जो एस्पेक्ट होता है वो ये होता है कि नींद का की इंडक्शन, नींद आना, नींद किसी को नींद ना आना या नींद बड़ी मुश्किल से आना, तो एक तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। और दूसरे जो प्रॉब्लम स्पेसिफिक स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं वो ये होते हैं खास फेजेस में, हर फेज के अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हम एज ए न्यूरोलॉजिस्ट सबसे पहला काम जो जो बड़ा प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि स्लीप डिसऑर्डर्स दे मिमिक एज सीजर डिसऑर्डर समटाइम, अचानक से नींद से उठ के चीखें मारना और इस तरह के मामलात होते हैं, तो हमें उसको एपिलेप्सी या फिट्स से बड़ा उसको अलग करना होता है। हम पेरेंट्स से काफी स्लीप के बारे में इनडेप्थ सवालात पूछते हैं कि कितने बजे स्लीप में जाता है, क्या क्या इश्यूज होते हैं और अंदाजन कितनी देर बाद सोने के ये प्रॉब्लम्स आते हैं जो पेरेंट्स फेस करते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे पास जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल मोडेलिटी होती है वो होती है पॉलीसोमनोग्राफी। ये एक बिल्कुल हम लीड्स लगा देते हैं और हम ब्रेन की वेव्स, जैसे मैंने आपको बताया बच्चा जब सो जाता है तो लीड्स लगी होती हैं, पॉलीसोमनोग्राफी इस टाइम शहर में बहुत कम जो है वो अवेलेबल है। तो टेक्निकली जब हमारे पास आता है तो हम बगैर इन्वेस्टिगेशन के सवालात के जरिए और अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, और डेफिनेटली फिट्स को तो हम बिल्कुल ईजी करा के हम रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये कहीं फिट्स ना हो। दुनिया जहां में स्लीप डिसऑर्डर्स जो है ये एक सुपर स्पेशलिटी है जिसमें सिर्फ डॉक्टर्स स्पेशलाइज इसी चीज में करते हैं, ऑन स्लीप डिसऑर्डर्स। तो इस तरह की मजीद फेलोशिप्स होती हैं जो कि सो इट इज वेरी वेरी ब्रॉड वो, और हमारा जो एक्सपोजर है अनफॉर्चुनेटली इतना इस मामले में कम है कि इट्स नॉट वन ऑफ द टॉप फाइव टेक्निकली टॉप फाइव प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स दैट वी हैव, क्योंकि देर से सोना या नींद का कम आना जो है ये एक नॉर्म सा बन गया है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं समझा जाता। बच्चे 3-3 बजे रात तक जाग रहे हैं, सोते नहीं है, 3 बजे सोते हैं, तो ये इसको स्लीप डिसऑर्डर के साथ कनेक्ट करना वर्सेस एक आदत होना, ये बड़ा एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाती है। तो हम भी इतने वेल वर्स्ड नहीं होते क्योंकि हम बहुत ज्यादा ये डिजीजेस नहीं देखते, सो वी ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम आवर कलीग्स हु आर बेटर ऑफ इन दिस सब स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलिटी में। सिंस वी आर कनेक्टेड थ्रू आउट डिफरेंट जगहों में जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं ममालिक में जो होते हैं उनके साथ हम कनेक्टेड होते हैं, कभी कोई चीज समझ नहीं आती सो वी ऑलवेज गो एंड टेक हेल्प फ्रॉम देम। सो इन माई प्रैक्टिस आई डोंट कम अक्रॉस सो मैनी स्लीप डिसऑर्डर्स। बट जैसे कि आपने कहा, न्यूरोलॉजिस्ट इज सच अ यूनिक स्पेशलिस्ट जो बीच में, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द चाइल्ड्स लाइफ, वो एक विजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपने कहा, टू रूल आउट एनीथिंग एनीथिंग डिफरेंट दैट इज टेकिंग प्लेस. बिफोर आई कम टू इन्फेक्शंस एंड मेनिनजाइटिस, और जो जो मुझे लगता है कि बहुत दफ़ा पेरेंट्स आर मिस इन्फॉर्म्ड इन इनके बारे में, सेप्सिस के बारे में, मेनिनजाइटिस के बारे में, आई डू वांट टू टच अप ऑन ऑटिज्म, बिकॉज हम लोग अप्रैल में वी आर सेलिब्रेटिंग ऑटिज्म अवेयरनेस वीक. ये पूरा हफ्ता हम बात करते हैं, हम आगाही देते हैं, हम बताते हैं कि क्या है ये ब्लू रिबन. जब हम बात कर रहे होते हैं अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एंड इस वक्त बिकॉज वी डोंट हैव पाकिस्तानी स्टैट्स, बट अगर हम वर्ल्ड स्टैट लेके चलें तो 1 in every 4
children, boys usually, than girls. And in our country, researchers have put together that in our country, 1.7 children are born or are existing with autism. Recently, we had an autism awareness session in which we were spreading in our cities. And to tell parents and to tell individuals that autism is a way of life as opposed to a disease. So, this samjhana, and I've also heard you have done immense, tremendous work and talks about this also. So let's hear a little bit about your views. So autism ko batane se pehle main hamesha jo hai wo neurodiversity ke bare mein baat karta hu. So neurodiversity ka kya matlab, hum sab mukhtalif hain, hum sab diverse hain. Lekin hamari, hum jis diversity ko samajhte hain wo cultural differences hote hain. हमारे समाजी सोशल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, रंग, नस्ल, मज़हब, लसानियत, हम बहुत सारी चीज़ों में, सोशल स्टेटस, ये सारी वो बातें हैं जिसमें हम एक दूसरे को मुख्तलिफ समझते हैं. सो कुदरत ने हमें हर एक को मुख्तलिफ तरीके से बनाया है. अब हम में जो हमारी जो सोच है वो किस तरह से मुख्तलिफ होती है, हम डिफरेंटली वायर्ड हैं सारे. हमारी सबकी जो वायरिंग है वो डिफरेंट तरीके से होती है. अब ये वायरिंग जो होती है ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, जो एनवायरनमेंट है उससे स्ट्रेंथन होते हैं. मतलब मैं जिस माहौल में रहूंगा वो एक्सपीरियंसेस मेरे जो कनेक्शंस हैं उसको स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे. तो अल्टीमेटली मैं एक शख्स बनूंगा विद अ पर्सनैलिटी जिसकी वायरिंग जो है वो कुदरती तौर पर हुई थी, लेकिन उसको एनवायरनमेंट ने उसको मजबूत किया या उसको उस कनेक्शंस को बढ़ाया, बनाया, और जो गैर जरूरी कनेक्शंस थे मेरे अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते गए. तो इस तरह से मैं आपसे मुख्तलिफ हो गया. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोडाइवर्सिटी कि हम सिर्फ मजहब से, रंग से, नस्ल से मुख्तलिफ नहीं है, हम कुदरती, हम सब मुख्तलिफ हैं. वायरिंग हमारी ब्रेन की मुख्तलिफ है. अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लें तो अगर ये हम हमारी वायरिंग या हमारी, हम इतने डाइवर्स हो जाएं या हमारी वायरिंग इतनी मुख्तलिफ हो जाए दिमाग की कि हम सोशलाइज ना कर पाएं या हम सोसाइटी का पार्ट ना बन पाएं या हम अपने मामलात को उस तरह से ना कर पाएं, तो हम इसे डिसऑर्डर्ड कहते हैं कि हम हमारी वायरिंग की वजह से, हमारे कनेक्शंस की वजह से हम इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन पा रहे. हमने एक्सेप्टेंस, हमारे लिए एक्सेप्टेंस सोसाइटी की कम होती जा रही है, इसको हम डिसऑर्डर कहते हैं. सो ऑटिज्म इज नॉट अ डिजीज, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोडाइवर्सिटी. लेकिन वो न्यूरोडाइवर्सिटी कुछ ज्यादा हो गई, बहुत मुख्तलिफ हो गए ये बच्चे, ज्यादा हो गई. तो उस वजह से ये सोशली जो है, इनके मामलात जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहे. तो ये किसी से कम नहीं है. अगर मैं जेनेटिकली बात करूं तो किसी जीन की खराबी नहीं है, ये जीन में रद्दोबदल है. तो अगर ये चीज खराबी नहीं है तो ये गलती भी नहीं है. पेरेंट्स जो होते हैं वो टेक्निकली ये बात करते हैं हमेशा कि जो है ये किसकी गलती है, ये इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है. तो ये तो बीमारी ही नहीं है, ये तो इट्स नॉट अ मिस्टेक. तो सो देयर इज नो गिल्ट फॉर इट. तो ये ऑटिज्म, जैसा आपने कहा कि अब ये नेचर का एक तरीका होता है हमें चीजें एडजस्ट करने का. जैसे आप कहते हैं ना, कोविड के से एक चीज एसोसिएट करते थे कि हम बहुत ज्यादा जो है बहुत वो हो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने, कुदरत ने एक बीमारी भेज दी हमें लाइन पे लाने के लिए और ये वो. तो कुदरत जो है वो चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए, जब हम बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना शुरू हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा इस उसमें आ जाते हैं, मामलात में आ जाते हैं, कुदरत का तरीका ये होता है कि वो इस तरह के बच्चे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जो सोशलाइज इतना नहीं कर पाते. तो उनको अपनी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल करना
हम सब की अखलाकी जिम्मेदारी होती है. सो इट इज नॉट अ डिजीज, इट्स न्यूरोडाइवर्सिटी एट सम लेवल जो के मुतासिर कर देती है नॉर्मल फंक्शनिंग को. तो जैसा कि मैंने अभी एक रिसेंटली एक मैंने भी इसमें अवेयरनेस की एक वीडियो मैंने इसमें बताई थी, न्यूरोडाइवर्सिटी पे बताई थी. क्योंकि अगर जितनी ज्यादा आप ऑटिज्म को लेके बात करना शुरू करते हैं तो महसूस ऐसे होता है कि हम किसी बीमारी या किसी डिसऑर्डर की बात करें, लेकिन अगर आप न्यूरोडाइवर्सिटी को लेके आप चलें तो ऐसा लगता है कि ये कुदरत का एक निज़ाम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो निज़ाम जो है हमारे बच्चों में नुमाया होना शुरू हो गया. आपने इतनी खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन करा है डॉक्टर रमन, एंड आई होप एंड आई विश के ये बहुत जो इस वक्त भी देख रहे हैं लोग एंड बाद में भी देखेंगे, ताकि उनको पता चले कि इतनी खूबसूरती से भी एक्सप्लेन हो सकती है न्यूरोडाइवर्सिटी के ऊपर, जैसे कि आपने कहा बहुत डिस्कशन हो सकती है। जब हम इन चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं जो केयर गिवर्स या माँ बाप, क्योंकि कोविड को साथ लेते हुए चलना, डॉक्टर रमन, हमने बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप खो चुके हैं बहुत यंग एजेस में, तो आई बिलीव कि एक बहुत जेनेरिक टर्म, रिस्पेक्टफुल टर्म होती है केयर गिवर, क्योंकि अब हमने हमें नहीं पता कि नाना नानी संभाल रहे हैं, दादा दादी संभाल रहे हैं, माँ बाप हैं या नहीं। व्हेन वी टॉक अबाउट अर्ली इंटरवेंशन एंड अर्ली इंटरवेंशन अक्रॉस द बोर्ड, हम पीड्स में भी बात कर रहे होते हैं, जीपी से भी बात कर रहे होते हैं, गाइनीज में भी, हर जगह अर्ली इंटरवेंशन पे बात की गई है, स्पेसिफिकली फ्रॉम द पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इज देयर व्हाट काइंड, या आप किस तरह समझा सकते हैं पेरेंट्स को अबाउट अर्ली इंटरवेंशन? थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन. सो रिहैबिलिटेशन इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. आज से कुछ अरसा पहले जब रिहैब मेडिसिन जो थी, इट्स अ साइंस, रिहैबिलिटेशन इज अ साइंस बेसिकली, जिसपे पूरी एक फील्ड है और इस पे लोग स्पेशलाइज करते हैं. ये आज से चंद सालों पहले ये समझा जाता था कि एक बच्चे का दिमाग 2 साल तक ग्रो करता है. तो 2 साल तक आप मेहनत कर लें, जितना आपने उसको कर दिया, उसके बाद इसकी दिमाग की ग्रोथ नहीं होती. तो ये जो ग्रोथ की बात हो रही थी 2 साल तक, ये दिमाग के साइज की ग्रोथ की बात हो रही थी कि उसके साइज बढ़ना. जबकि उसके फंक्शंस की मॉडिफिकेशन की अगर बात की जाए तो एक बहुत अच्छी थ्योरी एग्जिस्ट करती है, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन. अब ये थ्योरी क्या है, ये प्लास्टिक होता है ना, तो इट इज फ्रॉम द प्लास्टिक. तो साइंस में प्लास्टिक उस चीज को कहते हैं जिसको आप खींचें तो वो खिंच जाए, वो मॉडिफाई हो जाए, और वो जितना आप उसको खींचेंगे, प्लास्टिक को जैसे खींचते हैं तो वो खिंच जाता है. प्लास्टिक का उल्टा क्या होता है, प्लास्टिक का उल्टा होता है इलास्टिक. आप किसी रबर को, इलास्टिक चीज को खींचें और वापस छोड़ें तो वो वापस अपनी जगह आ जाता है. तो जो ब्रेन है वो समझा जाता है कि ये प्लास्टिक है टिल 7 ईयर्स ऑफ एज, 7 और 8 ईयर्स ऑफ एज, एंड देन इट बिकम्स ग्रेजुअली, इट बिकम्स इलास्टिक. सो हमारे पास 6-7 साल होते हैं जिसमें ब्रेन को हम जितना खींच सकते हैं थ्रू रिहैब, जितना हम उसमें फंक्शनैलिटी ला सकते हैं, दैट इज द मेन इम्पॉर्टेंट टाइम जिसमें हमें ये सारे काम करने होते हैं. तो ऑडियंस जो मुझे सुन रही है वो दे हैव टू बी वेरी वेरी ऑप्टिमिस्ट इन इन गेटिंग थेरेपीज जिन जिनके बच्चों को नीड होती है, कि दिमाग जो है उसमें इतनी सलाहियत होती है बच्चे के दिमाग में कि वो चेंज हो सके, उसमें फंक्शनैलिटी आ सके. इसी कॉन्सेप्ट से अगर मैं आपको एक एक सिंपल एक बात समझाने की कोशिश करूं जो कि बहुत, अब आप अगर देखेंगे हम अपने बच्चों की तालीम पे अर्ली इंटरवेंशन से अगर मैं इस बात को समझाऊं कि हमारे बच्चों की तालीम जो है जितनी कम लेवल की तालीम होती है, यानी प्ले ग्रुप जो है वो बहुत सस्ता है, हमें कम फीस देनी पड़ती है. जब हम जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाते हैं फीस बढ़ती चली जाती है, और अगर कोई प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाता है तो बहुत ह्यूज अमाउंट देनी पड़ती है. जैसे कोई अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो साल के 10-12 लाख रुपए दे के डॉक्टर बन रहे हैं आजकल.
तो इट्स गेटिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव. द वे यू ग्रो, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन, यू इन्वेस्ट अ लॉट. सो टेक्निकली यू आर इन्वेस्टिंग एट अ पॉइंट जहां पे ब्रेन की ग्रोथ नहीं हो रही, एंड यू आर नॉट इन्वेस्टिंग एट अ पॉइंट जहां पे ब्रेन की ग्रोथ मैक्सिमम हो रही है. तो दुनिया जहां पे अब ज्यादा जो स्कूल्स महंगे होते हैं और जो ज्यादा तालीम पे खर्चा होता है, वो केजी, प्ले ग्रुप, मॉन्टेसरीज, इनमें ज्यादा होता है, बजाय इसके कि प्रोफेशनल को. उस टाइम आपका दिमाग बन चुका होता है, वो इट इज इलास्टिक. जब प्लास्टिक होता है तब बात होती है उसको मॉडिफाई करने की. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, द ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, विच गिव्स अ लॉट ऑफ होप अराउंड द वर्ल्ड टू ऑल द न्यूरोलॉजिकली हिट चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, दैट थिंग्स कैन बिकम बेटर. एब्सोल्युटली. एंड यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ फॉर एपर चिल्ड्रन, बिकॉज अगेन दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, कि एपर चिल्ड्रन जो हैं दे आर द बिगेस्ट अमेजिंग मिमिकर्स. मतलब कि कोई भी चीज़ जो कोई और कर रहा हो वो उसको इस तरह अडेप्ट और एडजस्ट करते हैं जैसे कि उन्होंने वो शुरू से ही कर रहे हैं. एंड इट इज़ सो अमेजिंग टू सी कि बगैर किसी बच्चे को सिखाने के बजाय वो खुद पिकअप कर लेते हैं बाय हैबिचुअल प्रैक्टिस. तो टू ऑल दोज पेरेंट्स एंड ऑल दोज केयर गिवर्स जो इस वक्त सुन रहे हैं, लाइक डॉक्टर रमन हैज सेड इन इन हिज वर्ड्स, अगर आप अपने बच्चों पे काम कर रहे हैं, वेदर यू वर्किंग ऑन देम योर सेल्स या आप उनकी थेरेप्यूटिक प्रैक्टिसेस रख रहे हैं, ओटी में जा रहे हैं, आरटी में जा रहे हैं, पीटी में जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट. क्योंकि जैसे हमने शुरू में बात करी थी अबाउट आपका जो भी प्रोग्राम फॉर्म्यूलेटेड होता है बाय द स्पेशलिस्ट, बाय द प्रैक्टिशनर्स, बहुत ज़रूरी है कि आप उस प्लान के ऊपर फोकस करें और काम करें, बिकॉज योर चिल्ड्रन आर ऑल्सो लुकिंग एट दैट, हाउ फोकस्ड आर आर पेरेंट्स. सो थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर अमन, बिकॉज अमूमन हम भूल जाते हैं कि कितनी ये नाजुक ईयर्स होते हैं, इम्प्रेशनेबल ईयर्स जिन्हें कहा जाता है, एंड हाउ मच कैन बी डन इन दीज ईयर्स. Wrapping up our session, Dr. Kumar, when we are talking about meningitis, जैसे कि आपने कहा, it is something that comes in your clinic continuously, and there is infectious diseases is also एक बहुत बड़ा सेपरेट एक और डिपार्टमेंट है जहाँ पे अगेन न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है when they are working, when specialists are working, एक टीम की तरह. जब हम बात करते हैं अबाउट रेजिंग अवेयरनेस फॉर मेनिनजाइटिस एंड टीचिंग एडल्ट्स के क्या व्हाट आर द साइंस, द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट फॉर इट. So it's a deadly disease if not picked, and the problem is that it is very difficult to pick it up. So छोटे बच्चों में जो है इसके बड़े नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स होते हैं. कभी कभार एक्सेसिव रोना जो है, बुखार भी इतना नहीं आ रहा होता, बच्चा सिर्फ रोए जाता है. एक्सेसिव क्राई, अनकंसोलेबल, वो कंसोल नहीं होता. आप उसको फीड कराने की कोशिश करें, आप उसको गोद में उठाएं, आप उसको कुछ भी करने की कोशिश करें, मुसलसल रोता चला जाता है. तो ऐसी सूरत हाल में अक्सर ये कहा जाता है कि बच्चे के पेट में दर्द. तो दो जो न्यूनेट, जो इन्फेंट एज है, उसमें दो दर्द जो है वो बड़े समझे जाते हैं पेरेंट्स में. जब भी बच्चा रोता है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है. तो ये जो है, जो यहाँ तक बात होती है कि अप टिल 2 years ऑफ एज इट्स वेरी वेरी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, के बुखार आता है, कभी नहीं भी आता. लेकिन इवन अगर नॉर्मल बुखार भी आता है तो उसको डिफ्रेंशिएट करना कि क्या ये मेनिनजाइटिस है या नहीं, देयर हैज टू बी अ वेरी हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन. हमारे मुल्क में अभी तक वो माहौल अच्छा, एक माहौल बड़ा अच्छा एक क्रिएट हो गया है. आई एम वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस टाइम, टू बी विटनेसिंग दिस टाइम, जहां पे लोग बीमार ना होने के अलावा भी अपने बच्चों को लाते हैं, क्लिनिक में लाते हैं.
So this is very, very encouraging, very great thing to see, very heartening, because pediatrics is not all about diseases. Pediatric is about the disease kids and the normal children as well. So it's basically pediatrics and child health. So उनकी वैक्सीन, उनकी प्रिवेंशन, उनके मामला, तो ये जो है ना बड़ा जरूरी है. तो एक बात तो मैं ये बताने बताना चाहूंगा कि काफी इनकरेजिंग है कि पेरेंट्स फॉलो अप के लिए बड़ा जो है ले आते हैं. मतलब किसी को फिट्स नहीं हो रहा है, मैंने उसको 4 महीने बाद क्लिनिक में बुलाया है, फिट्स नहीं हो रहा है, कोई वजह नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, दवाई अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, आते हैं, दे कम टू सी अस, दे डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड समटाइम्स दे हैव नथिंग टू से, जैसे बच्चा बिल्कुल सही है सब, बट दे कम. सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड कल्चर ऑफ गेटिंग फॉलो अप्स. नंबर टू, आई एम स्टिल येट टू सी अ टाइम जहाँ पे हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट को लेके आए किसी कंप्लेन के साथ और हम कहें कुछ नहीं है. सो द इंडेक्स ऑफ सस्पिशन इज वेरी वेरी हाई इन इन मेडिकल प्रोफेशनल्स, बट इट इज स्टिल नॉट दैट हाई इन पेरेंट्स या केयर गिवर्स. तो वो जो छोटे छोटे मामला, बड़े बड़े मामला को छोटा छोटा समझ के डिले हो जाता है और देर तक पहुंचते हैं हमारे पास. तो आई वुड एडवाइज थ्रू योर प्लेटफॉर्म कि बच्चों के मामला में आप किसी भी मामले को छोटा ना लें. बेशक एक विजिट डॉक्टर के पास करके, अपने बच्चों के डॉक्टर के पास जाके उसे पूछ लें कि जी ये बच्चा कल जो है बड़ा एक्सेसिवली क्राई कर रहा था, तो कहीं कोई मसला तो नहीं हो रहा इसको. सो इट इज ऑलवेज, वी आर वेरी हैप्पी व्हेन वी सी किड्स, पेरेंट्स ब्रिंगिंग देयर किड्स टू द हॉस्पिटल एंड वी टेल देम कुछ नहीं है. सो दैट टाइम वी येट हैव टू सी एज प्रोफेशनल्स, एंड आई सी, आई एम होपफुल कि वो ऐसा टाइम भी आएगा. सो इट इज वेरी वेरी नॉन स्पेसिफिक मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स, और हमें जो है वो इन सिम्टम्स के लिए हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए. कभी भी आपके बच्चे को बिहेवियर में थोड़ा सा आपको रद्दबदल नजर आ रहा है, आपको लगता है कि यार ये एक्सेसिवली जो है क्रैंकी हो रहा है, ये नॉर्मली तो ऐसा नहीं करता, क्या क्यों ऐसा हो रहा है, दैट कैन बी सिंपल साइन ऑफ मेनिंजाइटिस. बाकी बड़े बच्चों में तो सिम्टम्स काफी वो होते हैं कि सर में दर्द होना, उल्टी आना, फोटोफोबिया, रोशनी का बुरा लगना, तो ये सारे हमारे पास जब एज ए न्यूरोलॉजिस्ट, सो मैं बात बड़ा क्लियर करता चलूं कि न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो बेसिकली ब्रेन के इन्फेक्शंस को ट्रीट नहीं कर रहा होता. न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन के इन्फेक्शन से मुतासिर दिमाग को ट्रीट कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है. जैसे किसी को रिहैब चाहिए, तो जो मेनिनजाइटिस को और इन चीजों को, इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं, वो इन्फेक्शस डिजीज के डॉक्टर्स होते हैं, बच्चों में भी होते हैं. डॉक्टर हनीफ कमाल इज वन ऑफ द डॉक्टर्स इन्फेक्शस डिजीज के, जो भी आपका प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, एंड ही वर्क्स विद मी एट लियाकत नेशनल, एंड ही विल बी टॉकिंग अबाउट कोविड सून, प्रोबब्ली ऑन मंडे. सो डू लिसन टू हिम एज वेल. सो इट इज आई थिंक ऑन इन्फेक्शंस सैटरडे पे बात करना, ऑन सैटरडे, ऑन सैटरडे. जी सो इन्फेक्शंस पे बात करना जो है बहुत जरूरी है, वैक्सीन्स पे और प्रिवेंशंस पे. इन्फेक्शंस आर ऑलवेज, सो सेफ्ट्रेक्सोन हमारी एक एंटीबायोटिक है, तो हम हर मामले हर किसी को एंटीबायोटिक दे देते हैं. तो वो एक मैंने किसी के शर्ट पे लिखा हुआ देखा था कि इन्फेक्शन इज नॉट सेफ्ट्रेक्सोन डेफिशिएंसी. सो दैट वाज वेरी कैची एंड इट मींस अ लॉट कि ये जरूरी नहीं है कि किसी को इन्फेक्शन हो रहा है या किसी को बुखार हो रहा है तो हम जो है वो बस इसका मतलब है कि एंटीबायोटिक की कमी हो गई है उसके जिस्म में, तो आप ढूंढ दो. तो बिल्कुल डॉक्टर हनीफ विल बी टॉकिंग अबाउट इट मोर इन डेप्थ. एंड मी एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, अगर किसी को मेनिनजाइटिस होता है तो इट नीड्स टू बी सीन बाय न्यूरोलॉजिस्ट वंस द इन्फेक्शन इज ओवर और इफ इट इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड. ओवर हियर डॉक्टर रमन, आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड के हम एज अ बिकॉज अगेन जो हमने शुरू में बात की थी कि एक्सेसिबिलिटी इतनी कम होती है टू स्पेशलिस्ट, तो अमूमन क्या होता है कि क्लाइंट्स और पेशेंट्स लाइक माई सेल्फ और केयर गिवर्स लाइक माई सेल्फ, जब हम किसी स्पेशलिस्ट के पास आते हैं तो हमें ये लगता है कि इस स्पेशलिस्ट के पास सब चीज़ों के जवाब आते होंगे,
एंड यू हैव वेरी राइटली सोर्ट ऑफ यू नो नैरोड एंड सेट के सब स्पेशलिटीज होती हैं. हर प्रैक्टिशनर जो है वो अपनी फील्ड के अंदर स्पेशलाइज कर रहा होता है या कर रही होती हैं, एंड उन्हीं के साथ यस टीम्स होती हैं, नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि आपने मेंशन करा कि नेटवर्क्स होते हैं पीपल एंड डॉक्टर्स वर्किंग टुगेदर, लेकिन उस पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट के पास जाना और दिखाना और सवालात पूछना बहुत ज़रूरी है. व्हाइल वी आर क्लोजिंग आर अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विच आई एम सो ग्रेटफुल फॉर डॉक्टर रमन, एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, as a practitioner who is serving the public, something that you would like to say to young budding pediatric specialists, neurologists, and to your patients slash clients? So I'm also very sensitive. Dr. Raman, sorry, before that, we have a question. Ansha Sheikh is asking, anything for speech delay? Yeah, so speech delay is very important presenting complaint that we get. So there you need to differentiate between whether it is a speech delay or it is a communication issue. So there is a difference. So communication is not just speaking out words. It's communication is apni baat ko samjhana through non-verbal, through gestures and eye contact, gestures, apni tone ko upar niche karke apni baat ko samjhana likh ke. Agar main apni muh se kuch na bolu and if I write something, close the door. So if I am not speaking this up, so this means I am communicating. So you need to be very, very, so the first thing that we do in clinic when it comes to speech delay, we think that whether it is communication disorder or it's purely speech delay. So if it's a purely speech delay, then we need to look at the hearing as well. So we need to ab mere jo students hain unke sath main ek bahut choti si ek bahut basic si research hai which is very meaningful ke jab hamare paas bacche aate hain aur hum suspect karte hain ki unko hearing loss hai और उनका हम टेस्ट ऑर्डर करते हैं कि क्या हेयरिंग लॉस है या नहीं है स्पीच डिले में. हम कहते हैं कि जी इसका एक कानों का टेस्ट करा ले, तो पेरेंट्स कहते हैं कि जी बच्चा बिल्कुल सही सुनता है, हमें यकीन है बच्चा सही सुनता है. बट वी समहाउ कन्विंस देम कि ठीक है बच्चा सही सुनता है, बट फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस वी नीड टू हैव दिस टेस्ट डन. सो 70% ऑफ द टाइम्स इन आवर रिसर्च दैट वी आर डूइंग इट इज बीइंग सीन that parents are technically wrong. The report comes out to be ke bacha nahi sunta, lekin maa baap perceive karte hain, maa baap ki perception hoti hai bacha sun raha hai. So speech delay ke liye hearing ko assess karna bada zaruri hota hai, uske liye communication ko dekhna bada zaruri hota hai, aur plus speech delay ko establish karna ke kya waqai ye speech delay hai ya nahi hai through milestones, red flags ke us umar ke hisab se iske hain ya nahi. To that is important. And I hope that answers on a very, very small level and very concise level your question and query, Ansha. Your details have been provided under this post, Dr. Raman. And over to you now to end the session, jaise ke aap baat karne wale the about leaving a note for young professionals, young budding professionals, yes, and yes. caregivers. So basically, out of all the energy that I consume in this profession, so 60% of it, I believe, I consume on my on training the medical students. So I'm very sensitive about it. I feel this is something that needs a lot of they need a lot of importance, and they need a lot of counseling regarding that. And today I was doing my clinic, and one of the fourth year student, I hope she's listening to this session, she was here with me in the clinic till the very end. She's just fourth year medical student. She was very eager to listen to parents, and I could see the interest that she was. So it is basically inculcating the interest is our part. You don't have to worry about it, but working hard is your part.
So I can't just inculcate interest in the young doctors, and if they don't work hard, I can't make them big achievers. So they have to work hard. And as far as the parents are concerned, who look after these children with special needs, and the way they are managing, it's hats off to them. So I really want to encourage all those and motivate all those people who have made groups, and they have WhatsApp groups, and autism ka group hai, aur bahut sare groups banaye hue hain parents ne, and they discuss, and they help each other. They provide support to each other in all possible ways that they are doing. It's so very heartening to see that. And I also encourage the patients, जिसको मुझे जी ट्यूब करवानी है, गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब डलवानी है, तो मैं अगर उसको 1,000 अल्फाज में भी जो है वो बैठ के मैं उसको समझाऊंगा, और मैं उसको कोई 2 घंटे भी बैठ के समझाऊंगा, तो वो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना कि मैं उसको एक ऐसे पेरेंट से मिलवा दूं जिसने अपने बच्चे की गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब की है. सो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ्स. आई थिंक दिस इज समथिंग, अगर कोई पेरेंट किसी पेरेंट सपोर्ट ग्रुप में नहीं है, तो वो फॉरन से खुद को, अपने को इन्वॉल्व करे टू लर्न मोर फ्रॉम दीज पेरेंट्स, फ्रॉम अदर पेरेंट्स. एंड एज फार एज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीड्स न्यूरोलॉजी क्लिनिक इज कंसर्न, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ कि आई फील इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू वेट फॉर देयर टर्न इन क्लिनिक्स. सो थिंकिंग अबाउट दिस वर्चुअल क्लिनिक प्लेटफॉर्म दैट यू हैव, इट्स अ बिग बिग साई ऑफ रिलीफ फॉर मी एज वेल. बिकॉज पेरेंट्स आर ऑलवेज, मोस्टली मोस्टली आई वोंट से ऑलवेज, मोस्टली सेटिस्फाइड विद व्हेन दे कंसल्ट मी, एंड व्हेन आई गिव देम टाइम, एंड व्हेन आई काउंसल देम. बट द ओनली थिंग दैट दे आर वरीड अबाउट इज दे डोंट लाइक वेटिंग आउटसाइड फॉर दैट लॉन्ग आवर्स. सो ऑलवेज दे आर वेरी वेरी, सो दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म. आई फील that we can take on this important aspect. And apart from that, thank you very much, and thank you for being such a wonderful host, and taking such important information out of me so very easily. And I hope it is effective, and it has an impact. इट Thank you very डेफिनेटली एंड much. मोस्टली वेल. थैंक यू सो मच डॉक्टर रमन. एंड मैं सबको ये बताती चलूँ कि आई एम सो सो ग्रेटफुल एंड ग्लैड दैट डॉक्टर रमन हैज़ ब्रॉट अप ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ अबाउट नेटवर्किंग, स्पेशल नीड्स पेरेंट्स नेटवर्किंग. सो अगर आप एक स्पेशल नीड्स पेरेंट हैं तो डू ज्वाइन SNP, Special Needs Pakistan, on Facebook, because we are a huge community of almost 14,000 individuals and families, looking after one another, supporting one another, and cheering one another on. So, no matter where you are in the world, what you're doing, become a supported network. Thank you so much, Dr. Kumar, and hopefully, we'll see you soon again. Inshallah. That is. Take care. Bye bye, Hafiz. everybody. Thank you. Bye.